की बैठक में जो शामिल होने के लिए आए हैं, प्रशांत किशोर जी का जहां तक सवाल है, वो एक ब्रांड बन गया देश के अंदर कि भाई 14 के अंदर पार्लियामेंट में वो मोदी जी के साथ थे, मोदी के साथ, फिर वो नीतीश के साथ थे, कभी वो पंजाब में थे, कांग्रेस के साथ थे। तो एक ये तो एक प्रोफेशनल काम है सबका, अपने कई एजेंसी और भी है, उनसे भी संपर्क होते रहते हैं, परंतु क्योंकि प्रशांत किशोर का नाम, पीके का नाम बड़ा हो गया, इसलिए आप लोगों ने न्यूज है। हर व्यक्ति का अनुभव काम लेना चाहिए विपक्ष को भी, बल्कि सत्ता की, सत्ता वाली पार्टी भी काम लेती है अपने तरीके से। ये कोई बहुत ऐसा नहीं पहली बार ही हो रहा है, हम लोग भी लगातार जो ऐसी एजेंसियां हैं या जो ऐसे एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा लेते रहते हैं। तो पीके का नाम बड़ा हो गया तो वो चर्चा में आ गया, बस उत्तर में मान लो। सर चिंतन शिविर को लेकर उसका अनुभव काम आता है, मान लो विपक्ष को एकजुट करने का अंतर, और मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट, उनके खिलाफ संघर्ष करने के अंदर, जिसके आज देश को सबसे बड़ी आवश्यकता ये है, ये देश जो है, मैं बार बार कहता हूँ, किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम, पर अब मालूम पड़ने लग गया। जिस प्रकार की हिंसा हो रही देश के अंदर, जगह जगह रामनवमी पे 7-8 राज्यों में हिंसा हो गई, कवड़ी में पहली हिंसा हो गई थी, तो जो चालाकी से लोग कर रहे हैं, हिंसा में नुकसान किसी को हो रहा है, और सोशल मीडिया पर चलाएंगे कि दूसरे पक्ष के लिए कहेंगे कि इनको ज्यादा नुकसान होगा, हिंदू मुस्लिम की बात कर देंगे, नुकसान अगर मुस्लिम को होगा तो ये कहेंगे हिंदुओं को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, भड़काने के लिए लोगों को। इतनी खतरनाक पॉलिटिक्स चल रही है देश के अंदर, उसको पूरे देशवासियों को, नौजवानों को विशेष रूप से समझना पड़ेगा सच्चाई क्या है। खाली धर्म के नाम पे आप अगर हम लोग बिल्कुल एक तरह सोचने लग जाएंगे तो देश हित में नहीं होगा। आने वाले वक्त में पूरे देश को, पूरे प्रदेश को और नौजवानों को भुगतना पड़ेगा। मेरा मानना है कि हिंसा का नाम देश दुनिया में होना ही नहीं चाहिए, ये गांधी जी ने हमें सिखाया था। हिंसा का जवाब कभी हिंसा नहीं हो सकता है, एक लाइन से समझ जाइए, उन्होंने कहा एक आंख अगर किसी फोड़ोगे उसके बदले अगर एक आंख फोड़ने का वापस तय करोगे तो पूरा विश्व अंधा हो जाएगा। इस एक वाक्य से समझ सकते हैं हिंसा किसे कहते हैं, और हिंसा को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। मुझे अफसोस इस बात का होता है, हमेशा सत्ता पक्ष जो होता है वो कोई हिंसा कर भी रहा है पक्ष में, भड़का रहा है, तो उसको भी रोके, उसको कंडम भी करे, और ये प्रयास करे सभी तरह से किसी कीमत पर हम हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो मैंने देखा है, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर हो, मंत्री हो, या कोई विधायक हो, या एमपी हो, जो राजनीति में है, उल्टी गंगा बह रही है, बुला बुला के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एमपी को कि आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे राजस्थान के अंदर, आप तो वही काम करो जो करोड़ी मीणा कर रहा है, मैंने धमाल पट्टी करो, कानून को तोड़ो, हाथ में लोगों को भड़काओ, आग लगाओ। ये अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मैंने जो सुना है, सच्चे दाम मालूम कीजिए आप मीडिया वाले हो, कि आप कौड़ी मीणा कर रहा वो कहिए, आप सोच लीजिए कौड़ी मीणा क्या कर रहा है। नंबर एक, कल जेपी नड्डा साहब ने बुलाया यहाँ पर लोगों को, अगर वो ये कहे कि देखिए अशोक गहलोत जो है बहुत अटैक कर रहा है प्रधानमंत्री जी पर और गृह मंत्री जी पर कर रहा है, आपको चाहिए कि आप उनके ऊपर इतने अटैक करो, इतनी धमालपट्टी करो उनके खिलाफ में, व्यक्तिगत हो चाहे कैसी भी हो, जिससे कि वो अपने जवाब देने फंस जाए। तो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी भी अटैक नहीं हो, और मैं प्रधानमंत्री जी पर, गृह मंत्री जी पर मैंने कोई आलोचना नहीं करी, मैं अटैक करता ही नहीं हूँ। मैं खाली जो हम लोग विपक्ष में अगर केंद्र में हैं तो मैं खाली वही बात कहता हूँ, अगर कोई प्रधानमंत्री या गृह मंत्री चिंतन मनन करे दिल के अंदर, तो मेरे आलोचनाओं को वो सकारात्मक रूप से लेकर के देश हित के अंदर फैसले कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ प्रधानमंत्री को चाहिए तो देश को संबोधित करे कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे हिंसा करने वाले, चाहे कोई धर्म के लोग हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई हो, उनको मैं कंडेम करता हूँ, और हिंसा करने वाले सभी लोग एंटी सोशल एलिमेंट है ये लोग, और मैं राज्य सरकारों को कह रहा हूँ कि वो आप कोई कीमत बर्दाश्त नहीं करेंगे इनको।
अगर ये प्रधानमंत्री को मैं कहता हूँ तो इसमें बुरे क्या है? प्रधानमंत्री के दिल में भाव आना चाहिए कि विपक्ष तो बोलेगा और हमें इसमें अगर सुझाव अच्छा है आज कल मानेंगे, या वो खुद नहीं संबोधित करना चाहते देश को और कोई तरीका निकाले देशवासियों को मैसेज देने के लिए। तो मेरी समझ के फर है कि अगर मैं गृह मंत्री के बारे में या प्रधानमंत्री के बारे में मैं कोई बात बोलता हूँ तो मैं तो डिग्निटी बोलता हूँ। मैं प्रधानमंत्री पद की डिग्निटी को, गृह मंत्री की डिग्निटी को जानता हूँ क्या होती है। या सरदार पटेल बैठे थे, आज क्या हो रहा है? गृह मंत्री जी खुद ही सरकार गिरा रहे हैं और वही हॉस्टलिंग करके मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कोशिश कर ली, महाराष्ट्र में, झारखंड में, ये डेमोक्रेसी है क्या? अगर मैं इनकी आलोचना करूँ इन बात को लेके, तो इनके मन में भाव आना चाहिए कि देखिए आलोचना हो रही, पब्लिक क्या सोचेगी। दुर्भाग्य से कांग्रेस के शासन के अंदर हमेशा कोई विपक्ष बोलता था उसमें बीजेपी भी थी, तो कांग्रेस नेता चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, चाहे वो नरसिम्हा राव जी हो, चाहे वो इंदिरा जी हो, चार को मन देखा है, वो कहते वो सोचते थे दिल के अंदर लोग क्या कहेंगे देशवासी। ये घटना दुर्घटना हो गई है, आरोप लगे मंत्री पर किसी पर, तो हमें एक्शन करना चाहिए। मैंने लोग क्या कहेंगे इनको, जो है लोग क्या कहेंगे वो भय नहीं, इनको इतना घमंड आ गया है जो कुछ भी हम खुद ही है, बस हमने जो कह दिया वो बिल्कुल लोगों की लकीर है। लोग क्या कहेंगे परवाह मत करो, इतने तमाशे हो रहे हैं देश के अंदर, और ये लोग क्या कहेंगे परवाह नहीं करेंगे तो ये लोग ऐसे सबक सिखाएंगे ये चकड़ी बोल जाएंगे। ये मेरा मान। कल सर, कल जब बैठक हुई तो एक बात हुई कि गहलोत सरकार को बाहर करने के लिए सत्ता से एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, बार बार एकजुटता पे फोकस जेपी नड्डा ने रखा सर। वो प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर कह रहे, जब उन्होंने कह दिया गौरी मीणा जी के बारे में, वही टोन वही बोल रहे हैं, सत्ता से बाहर रहने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। अब आपने तो 6-6 उम्मीदवार बना दिए मुख्यमंत्री के, अब 6 उम्मीदवार बनाओगे तो भुगतना पड़ेगा आपको, जो आपकी उम्मीदवार थी उसको तो आपने पीछे ढकेल दिया और 6-6 उम्मीदवार बना दिए हैं तो भुगतो, अब आप भुगतो, हम भी हमारे लिए मुसीबत है। एक नेता उनका हो तो हम उनसे बात करें, पक्ष विपक्ष मिलके कोई ऐसे इश्यू होते हैं राजस्थान के अंदर उन पर चर्चा करें, उनको हल करें। वो तो माहौल इन्होंने खत्म कर दिया है, खत्म ही कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जो है वो क्या क्या बोले आप देख रहे हो, कल क्या बोले, परसों क्या बोले, महाराणा प्रताप के बारे में क्या बोले, और अब किसके बारे में बोल रहे हो? सीता, रावण, बताइए आप। अब रावण का एग्जाम्पल उनको यही मिला क्या, सीता ही मिली क्या? तो मैं से तो आधा मेंटल डिस्टर्ब लगता है मुझे, वो गुलाब चंद कटारिया मेंटल डिस्टर्ब लगते हैं, अपनी पार्टी में तो उनको सम्मान नहीं मिल रहा। कुछ कुछ कारण जरूर है, जब वो भभक जाते हैं, जब मीडिया के सामने आते हैं तो ऐसे ऐसे शब्द काम लेते हैं, चाहे मेरे बारे में हो चाहे और नेताओं के बारे में हो, कोई सोच नहीं सकता कि ऐसे शब्द काम लिए जाते हैं क्या। पर गुलाब चंद कटारिया जी का मैं व्यक्तिगत रूप सम्मान करता हूँ, बहुत बुजुर्ग हैं, चाहे वो RSS के कैडर के आदमी हैं, पर उनकी बोली चाली जो है उनको मैंने कई बार समझाने का प्रयास भी किया, आप एक लिमिट के आगे मत बढ़ो, बिलो द बेल्ट हिट मत करो, पर वो चूक ही नहीं सकते। माना प्रताप के बारे में क्या क्या बातें बोलती, क्या राजस्थान के लोग भूल सकते हैं उनको? इतना गुस्सा राजस्थान लोगों में है कोई कल्पना नहीं कर सकता, विशेष करके राजपूत कम्युनिटी के अंदर, 36 कौम के अंदर। वही बात रावण सीता की बात हो गई, क्या हिंदू लोग इस बात को बर्दाश्त करेंगे? क्या हिंदुत्व की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, इनका राष्ट्रवाद चुनाव जीतने के लिए, इनका हिंदुत्व चुनाव जीतने के लिए। हमारा हिंदुत्व धार्मिक भावना के आधार पर है, हम सबको गर्व है कि हम हिंदू है। गांधी जी ने कहा मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, पर हर धर्म का सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है, ये उन्होंने कहा था। अगर सब धर्म वाले खुद के धर्म के अलावा उनका भी सम्मान करने लगे दूसरे धर्मों का, तो मेरा मानना है कि उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं रहे, अपना अपना हिंसा होगी, आपस में सब धर्म सब जातियों के लोग प्रेम से भाईचारे से प्यार से मोहब्बत से रहेंगे, हिंसा का नाम ही होगा। और देश विकास करने के लिए चाहे सरकार NDA की हो चाहे UPA की हो, आगे बढ़ने के अंदर सब मिलकर काम करेंगे, ये मेरा मानना है।